वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। महिम सरता विजयपुर एक ऐतिहासिक शहर का फिर से हमने खुद वहां पर जाकर एक रिपोर्ट बनाई ताकि यहां का हमने आपको इस वीडियो में साथ साथ बता रहे हैं ताकि ये हसारी कमान कहते हैं और यहां पर बहुत सारे अजब गजब के दीवारें हैं और इमारतें हैं। जितना भी खड़े होकर सोचेंगे उतना दिमाग कम चलता है ताकि किस तरह यहाँ पर बनाए हुए हैं और यहाँ पर किस तरह खोखला हो गया है ये फसारी कमान। अब तो यहाँ पर बिना ही फाउंडेशन के बिना ही कुछ के यहाँ पर एक ऐतिहासिक मस्जिद बन गई, खूबसूरत मस्जिद आप ये भी देख सकते हैं। ताकि ये तो नाम आसार गली के नाम से जाना जाता है ऐतिहासिक, मगर यहाँ पर हर दीवार खोखला हो गया है फसारी कमान। आप खोखला होते होते ना जाने कब किस पर मौत बन जाएगी ये मालूम नहीं। अब तो विजयपुर शहर में बहुत सारे दौलतमंद लोग हैं, मुसलमान बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। इतनी दौलत है ताकि उनको खुद को मालूम नहीं है ताकि दौलत कितनी है। अगर शायद दौलत की तो बात और है, सियासती मामले में कोई MLA के खौफ सोचते हैं देखते हैं, कोई MP का और कोई प्रधानमंत्री का और कोई मुख्यमंत्री का। सबसे पहले ये ख्वाब सोचने से पहले अपने शहर के लिए ख्वाब देखिए ताकि ऐतिहासिक शहर हम जो भी आज जाना जाते हैं पहचाना जाते हैं विजयपुर शहर के लोग, इस ऐतिहासिक शहर के गोल गुम्बद ना जाने ऐसे कहीं इमारतों के नाम से जाना जाता है, मगर आजकल ये इमारतें इतने शराब खाने बन चुके हैं और जुए खाने बन गए हैं और यहाँ पर गांजा चर्च अफीम पीने के लिए अपनी मन मानी ऐश आराम बुरी आदतों के लिए ही शायद बन गए हैं। अब इस पर बहुत सारे मुसलमान बड़े बड़े लीडर हैं, क्यों इन पर आवाज नहीं उठाते, क्यों सरकार के विरोध आवाज नहीं उठाते, क्यों इनकी देखभाल नहीं कर पाते? क्योंकि उनको तो अपनी ही इलेक्शन की लगी होती है, अपने ही पैसे कमाने में लगे होते हैं, कहाँ आदिल शाह का यहाँ पर सोचेंगे। अब तो यहाँ पर सोचने वाले जो हम जो है, मगर हम तो दिखाना हमारा फर्ज हमारा कर्तव्य है, हम तो दिखाएंगे। सुधारना है ना सुधारना है ये अधिकारियों के साथ लड़ना विजयपुर के जनता का फर्ज बनता है, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जब मोहम्मद आदिल शाह यहाँ की बादशाह है तब हिंदू मुसलमान सभी थे, आज भी सभी है, मगर आवाज किन्हीं में कुछ में भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इतनी गंदगी फैल गई है ताकि कोई भी अधिकारी यहाँ पर देख नहीं पाते। अब तो इमारतें कचरा से बढ़कर कचरे के भाव बन गए हैं, ताकि कचरा ही बन गया है सब इमारत, मगर कोई भी यहाँ पर सोच समझ विचार आवाज उठाना। बहुत कम मुसलमान थे एक दो संगठन के, मगर अब वो भी खामोश हो गए, जाते हैं एक जिला अधिकारी को मेमोरेंड देते हैं खत्म हो जाता है। फिर वही खोखला इमारत, अब तो अपने बच्चों को सिर्फ तस्वीरें रह जाते हैं, मगर इमारत अभी कुछ दिनों में विजयपुर शहर के सब मिट जाते हैं। आप सिर्फ अपने आते हुए दिनों में अपने बच्चों को सिर्फ कहानी ही कहते जाना और सिर्फ किताबें ही बताना और तस्वीरें बताना, लाइव तो दिखा भी नहीं सकते, ताकि इतना गंदगी इतना बुरा हो गया है इमारत। खूबसूरत खूबसूरत इमारत हमने वहां पर खुद जाकर रिपोर्टिंग की, मगर आप देखेंगे तो शायद कमेंट जरूर करेंगे, देखेंगे एक रिपोर्ट में।
आप तो फसारी कमान ऐतिहासिक जहां पर हमने आ चुके हैं और कितना खोखला हो गया है आपको हमने सारे वीडियोस बता चुके हैं। अब यहां पर ना जाने इस ऐतिहासिक जो खोखला हो गया है फिर यहां पर आपको जरूर बताएंगे ताकि यहां पर कितनी गंदगी फैल गई है और यहां पर कोरेक्स जो ये पीने के बाद युवक नशा करते हैं इससे यहां पर नशीली चीज ना जाने कितनी गंदगी हो गई है यहां पर आप देख रहे हैं सारे ये वीडियोस और यहां पर शराब की बोतलें और ना जाने इतनी जो गंदगी हो चुकी है ताकि हम चल भी नहीं पाते ताकि उतनी गंदगी यहां पर है। सारे वीडियोस देख चुके हैं ताकि ये एक बहुत ही उस जमाने का खूबसूरत एक इमारत है आज पूरा खोखला हो गया है बिल्कुल ही अधिकारियों की लापरवाही है ताकि आप यहां पर आप देख चुके रहे हैं ताकि यहां पर कितनी गंदगी हो चुकी है यहां पर ना जाने शायद शराब की बोतलें शराब खाने में ना देखा होगा आपने उतने शराब की बोतलें नशीली चीज यहां पर गिर चुका है। यहां के बहुत सारे अधिकारी यहां पर आखिर क्या कर रहे हैं ऐसे खूबसूरत जो इमारतें हैं यहां पर बिल्कुल ही कचरे के बराबर हो चुका है और ना पर यहां कोई महानगर पालिका अधिकारी ना यहां पर स्वच्छता कर रहा है ना पर साफ सुथर है यहां पर कुछ भी नहीं है। आप देख रहे होंगे कितनी गंदगी यहां पर फैल चुकी है शराब की बोतलें यहां पर नशीली चीज यहां पर ऐसे गंदगियां ना जाने यहां पर आकर फेंककर सारी इमारत को बर्बाद कर चुके हैं यहां के लोग। और यहां से सबसे पहले ये जानना चाहिए था कि महानगर पालिका के अधिकारी आखिर क्या कर रहे हैं और दूसरा तो ये जो संबंधित है यहां पर इमारत खाते के जो अधिकारी हैं आखिर वो क्या कर रहे हैं। सिर्फ गोल गुम्बज ही नहीं है जो स्वच्छता अच्छी तरह वहां पर पैसा का जो टर्नआउट होता है इसीलिए उस पर ही ज्यादा महत्व देना है ये बिल्कुल ही गलत है। सब तरफ इमारत देखेंगे तो यहां पर भूख प्यास मिट जाएगी मगर ऐसा नहीं हो पा रहा मगर सारे इमारत बिल्कुल ही खोखले के साथ साथ कचरे के बराबर हो चुका है ताकि अब यहां पर दूसरा भी हम आपको ले चलते हैं बताएंगे ताकि उस तरफ भी कितना कचरा कितना गंदगी है आइए देखेंगे। अब दूसरा जो यहाँ पर एक मस्जिद नजर आ रही है ऐतिहासिक मस्जिद है ये ताकि उस मस्जिद उस जमाने में बनाई गई आप तो कॉलम ना जाने बड़े बड़े से इंजीनियर है जो इतने जो मजबूत बना सकते हैं उस वक्त ना यहाँ पर कोई कॉलम है ना कोई इंजीनियर तो पता तो नहीं है मगर आप उस जो मस्जिद देख रहे हैं बिल्कुल ही बिना ही कॉलम के बन गया है ऐतिहासिक मस्जिद। ऐसे ऊपर जो मस्जिद है बहुत ही कम नजर के आते हैं विजयपुर संतनत का जो बादशाह के जो यहाँ पर बनाया हुआ जो इमारतें हैं बिल्कुल ही आज ऐसा हो चुका है मगर कोई भी ना देखभाल ना कोई ये नहीं कर रहा सिर्फ कुछ मुसलमान है वहाँ पर नमाज के लिए आते हैं मगर उतना ही जितना लगता है उतना ही सुरक्षित है बाकी के इमारत कुछ भी नहीं है कचरे के भाव में चला गया है विजयपुर के इमारत आइए दिखाएंगे आपको।
कहता है जो ऐतिहासिक इमारत का धजिया उड़ा चुके हैं मगर अधिकारी सो गए हैं। मगर यहाँ पर इतना खूबसूरत सा जो इमारतें हैं बिल्कुल ही इतना कचरे के भाव बन गया है ये इमारत, शायद आप देख रहे होंगे, हम इसको वीडियो बता रहे हैं, हमारे कैमरामैन आसिफ यहाँ पर अपनी जूम करके वीडियो बता रहे हैं ताकि कुछ भी यहाँ पर चल नहीं पाते, देख नहीं पाते। अगर दूसरे राज्यों से हमारा संतनत का जो यहाँ पर जो देख सकते हैं वो बिल्कुल ही इतनी गंदगी के बराबर इमारतें हो गए हैं ताकि कुछ भी देख नहीं पाते। यहाँ पर जहाँ भी देखो वहाँ पर इमारतों के पास गंदगी ही गंदगी बन चुकी है मगर साफ सुथर बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना गंदगी कर चुके हैं मगर कोई भी अधिकारी आकर यहाँ पर नहीं देख सकते, कीड़े मकोड़े से भर गया है ये। मगर कोई भी अगर दूसरे राज्यों से इस राज्य को, हमारे विजयपुर शहर को जो भी देखने आएंगे तो यहाँ पर इस गंदगी से यही कहते हैं ताकि यहाँ पर कोई अधिकारी नेता कौन है या नहीं, क्या ये लावारिस बन गया है, सिर्फ यही यहाँ पर कहकर चले जाते हैं मगर साफ सुथर बिल्कुल नहीं है। गांधी जी का एक सपना था ताकि हमारा देश साफ सुथर यानी के स्वच्छ भारत का उनका एक सपना था, आज वो सपने पर क्या हो गया है इस वीडियो ही आपको सबूत है जो गांधी जी के सपनों का क्या हो गया है। दूसरा भी हम आपको ले चलते हैं, देखेंगे और भी इमारतों की हालत क्या हो गई है। ये भी ले सा। फिर से हम यहाँ पर आपको एक इमारत तो दिखा रहे हैं, ये कितना खूबसूरत सा डिजाइन, कितना खूबसूरत सा बन गया है, बिल्कुल ही ये अब ऐसा हो गया है, ये देखिए पूरा गिर जाएगा ये मगर फिर से बन नहीं पाएगा। अब ये पूरा पूरा सा पूरा खोखला हो गया है मगर यहाँ पर कोई भी पूछताछ या देख रेख ऐसा कोई नहीं है, मगर इतना खूबसूरत सा इमारत अब ये एक एक करके ना जाने कब गिर जाएगा, कब मिट जाएगा ये निशान अब तो मालूम नहीं, मगर सोच समझ की बात ये है ताकि विजयपुर शहर में बहुत सारे लोग जो यहाँ पर देखने को तो आ जाते हैं मगर यहाँ पर सारा इमारत पूरा खोखला हो गया है। और ये जो इमारत है बिल्कुल ही आप देख रहे हैं बिल्कुल अलग अलग सा पत्थर बन गया है, ना फिर यहाँ फिर कोई अधिकारी ना गिला हो, ना कोई बंदोबस्त, ना कोई यहाँ पर देख रेख, ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो खूबसूरत जो इमारत है, जो खूबसूरत का इमारत है आज बदसूरत बन गया है पूरा का पूरा, मगर अब एक एक पत्थर गिरते जा रहे हैं ये खोखला बनकर, अब इतना खूबसूरत सा कमान ना जाने शहर में विजयपुर लोगों को आते दिनों में ऐसे देखने को भी शायद नहीं मिल जाएगा, क्योंकि अब ये कमान इस जमाने में इतना खूबसूरत लग रहा है, अगर आज भी इसको बचा सकते हैं अधिकारी ताकि यहाँ पर कुछ अगर गिलाव करेंगे, कुछ यहाँ पर कुछ करेंगे तो आज ये टेक्निकल जमाने में जरूर शायद ये बच जाएगा, आज भी और 100 साल गारंटी ये हमारे वास्तव न्यूज से हम देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो आते दिनों में टोटल ही ये इमारत सिर्फ फोटो में रह जाएगी मगर देखने को कभी नहीं मिल जाएगा। देखिए खोखला इमारत कैसे एक एक पत्थर गिर जा रहे हैं मगर यहाँ पर कोई भी देख रेख का ऐसा कोई भी अधिकारी यहाँ पर शायद नहीं आए होंगे, मगर अब तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है शायद ये ज्यादा दिन भी नहीं रह सकता ताकि पूरे पत्थर एक एक खोखले होकर गिर जाने की अब वक्त आ गया है, आज भी अधिकारियों को ये वक्त है शायद ये बचा सकते हैं। देखेंगे दूसरा वीडियो हम आपको बताएंगे तस्वीरें एक रिपोर्ट में।